अबे मैंने कैप्चर कर लिया इसको, लेट्स गो बॉयज। सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग, स्वागत है भाई हमारे मॉडर्न एसएमपी में। और भाई बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो अभी चल रहे हैं मेरे। आज गाइस हम बहुत ही खतरनाक चीज करने वाले हैं, शायद ही ऐसा किसी यूट्यूबर ने ट्राई किया होगा। हम कैप्चर करने वाले हैं कुछ मॉब्स को और मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक अलग तरीके का खतरनाक ऑटोमेटिक फार्म। हाँ वो थोड़ा मैजिकली होगा, क्योंकि भाई आज हम काम करने वाले हैं एक ऐसे मोड पे जो फिजिकली नहीं बल्कि मैजिकली वर्क करता है। मतलब भाई हमें इन मशीनों की जरूरत नहीं पड़ने वाली, कुछ मैजिक की जरूरत पड़ने वाली है। तो चलो यार फटाफट से अपनी चीजें कलेक्ट करना शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि मैं किस तरीके का मॉब फार्म यूज करने वाला हूँ। पीछे वाले मॉब फार्म में देख रहे हो कि भाई नॉर्मल क्रीपर फूट रहे हैं, मतलब क्रीपर मर रहे हैं भाई। वो केव क्रीपर है, वो लूट ड्रॉप करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने इनको सेटअप किया था अनलिमिटेड डायमंड के लिए और मैं चेक कर लेता हूँ मेरे को कितने डायमंड मिल गए। आई थिंक मैं यहाँ पे 15 मिनट ही रहूंगा एएफके, तो 1.2K 1200 डायमंड है मेरे पास। और यहाँ पे आप आयरन की क्वांटिटी देख सकते हो, गोल्ड की, एम्बरल्ड की, एसेंस की, गन पाउडर की। व्हाट द हेक, ये गन पाउडर, अबे 29,000 गन पाउडर, लोल। मतलब गाइस ये गन पाउडर कुछ ज्यादा ही नहीं गिरा रहे हैं ये, आई थिंक इनकी गन पाउडर के जो ड्रॉप सिस्टम है वो बहुत ज्यादा है। तो चलो गाइस, और वैसे भी अभी तक मैंने इनको फुल्ली अपग्रेड नहीं किया है इन स्पॉनर्स को। जब मैं फुल्ली अपग्रेड करूंगा तब देखना भाई, तब तो लूट देखने वाली होगी। फिलहाल तो गाइस हम एक मैजिकली मोड पे काम करने वाले हैं जिसका नाम है आर्स नोवा। तो भाई ये एक मैजिकली मोड है जिसमें मैं एक ऐसा फार्म बनाने वाला हूँ कि मैं छोटे मोटे वेनिला के मॉब या फिर छोटे मोटे मोडेड माइनक्राफ्ट के मॉब से नहीं लूट लेने वाला हूँ, मतलब उनका फार्म नहीं बनाने वाला हूँ। मैं बॉस का फार्म बनाने वाला हूँ। बॉस मतलब समझ रहे हो गाइस, मतलब इस गेम में बहुत खतरनाक बॉस हैं जिनको मैं कैप्चर करके, यानी मैजिक से कैप्चर करके और उनका फार्म बनाने वाला हूँ। वीडियो गाइस बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलो भाई जल्दी से शुरू करते हैं अपनी चीजें बनाना। अब इस मैजिक को शुरू करने के लिए, यानी कि आर्स नोवा जो हमारा मोड है उसको स्टार्ट करने से पहले हमें इसमें सबसे पहली चीज चाहिए होगी एम्बॉयमेंट चैम्बर। भाई ये एम्बॉयमेंट चैम्बर, आई थिंक मेरा प्रोनाउंसिएशन पता नहीं कैसा लग रहा होगा आप लोगों को, बट ये वाला हमें एक चैम्बर बनाना पड़ेगा जो कि मैंने यहाँ पे मार्क करके रखी हुई है कि जो जो चीज चाहिए होंगी। बट सबसे पहली चीज तो यही है भाई, जिसके लिए मुझे गोल्ड और आर्च वुड चाहिए होगा। तो भाई ये वाला वुड तो मेरे घर के पास ही उगा हुआ है जैसा कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे। ओ भाई मेरे को सैपलिन भी मिल गई, तो मतलब मेरे घर के पास में ये पेड़ उगा हुआ था तो मेरे को इसको कहीं ढूंढने जाने नहीं पड़ा। वैसे तो इसके देखो यहाँ पे भी एक ऐसा पेड़, इस मोड के लिए इस पेड़ की लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी भाई। और इससे एक फ्रूट भी मिला है भाई, ये पॉइजन फ्रूट है यार, इस पेड़ पे पॉइजन फ्रूट लगते हैं, मुझे पता नहीं था। सो फिलहाल गाइस मेरे पास गोल्ड भी है और अब मैं बनाने वाला हूँ ये गाइस मैं दो बनाने वाला हूँ। वैसे मैं दो से ज़्यादा भी बना सकता हूँ बट अभी मुझे दो की ज़रूरत है। अब इसका काम क्या है, अब मुझे थोड़े से चाहिए होंगे लैपिस। यस गाइस देखो इसका काम क्या है, मैं आपको बताता हूँ इसका काम क्या है। देखो जब मैं इसको यहाँ पे साइड में रखता हूँ ना और इसके अंदर लैपिस डालता हूँ, तो चेक करो गाइस अभी देख रहे हो आप कुछ बन रहा है यहाँ पे साइड में, आप लोगों को दिख भी रहा होगा, क्राफ्टिंग सोर्स जैम। तो गाइस इससे एक चीज बनेगी, अभी देखना इसको 100% होने दो, फिर आपको पता चल जाएगा क्या बनेगा। तो ये देखो गाइस इस चीज की मैं बात कर रहा था भाई, जब हम इसके अंदर लैपिस को डालते हैं ना तो 100% होने पर मुझे मिलता है सोर्स जैम। तो शायद से मुझे काफी सारे सोर्स जैम ना लूट में भी मिले थे। और यार ये ना बीच में आ रहा है तो मैं यहाँ पे अपना सेटअप बनाने वाला हूँ साइड में, तो जरा ये वाले रास्ते को मैं यहाँ से हटा ही देता हूँ अब थोड़ी देर के लिए। सोर्स जैम, तो 7 सोर्स जैम मेरे पास पड़े हुए हैं ऑलरेडी, तो चलो भाई सही है क्राफ्टिंग में काम आएंगे मुझे। और इसको मैं थोड़ा सा ऑटोमेटिक करने वाला हूँ, और इसको ऑटोमेटिक करने के लिए मैं एक चीज करूँगा, बट सिंपल सी चीज है यार, पहले मुझे यहाँ पे अपना सेटअप बनाना है तो मैं इस जगह को थोड़ा क्लीन भी कर लेता हूँ। ओके गाइस, तो भाई मेरा जेट पैक पूरा भर चुका है और मैं अपना जेट पैक पहन लेता हूँ, लेट्स गो। अब गाइस एक चीज़ की दिक्कत आ गई है, मैंने यहाँ पे अपना फार्म बना दिया है बट यहाँ पे ना मुझे गाइस एक चीज़ और बनानी है जो कि है हार्वेस्टर। जैसे कि मैं मैजिक को यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ तो उस मैजिक को रन करने के लिए, यानी कि चलाने के लिए एक मैजिक लिक्विड लगता है जिसको बोलते हैं सोर्स। तो भाई मेरे को सोर्स चाहिए होगा और सोर्स को निकालने के लिए मुझे फार्मिंग करनी पड़ेगी थोड़ी वीट की। तो भाई मेरे पास यहाँ पे वीट तो नहीं है बिल्कुल, दो ही वीट है मेरे पास। तो भाई मेरे को अब सीड लेके आने पड़ेंगे क्योंकि यार मैं जिस जगह पे हूँ ना, मतलब जहाँ पे मैंने घर बनाया है ओरिजिन वैली, तो भाई इस जगह पे एक भी ग्रास नहीं उगती है,
मतलब यहाँ पे मेरे को वीट नहीं मिलने वाला भाई, यहाँ पे कोई चांस नहीं है वीट मिलने के। तो मेरे को ऐसी जगह पे जाना होगा जहाँ पे घासें उगी हुई हो, यानी कि इस जगह से बाहर निकलना पड़ेगा मुझे, तब जाके मुझे वीट मिलेगा। ओके गाइस, यहाँ पे किसी तरह का डंजन है। ओके ये डंजन है भाई किसी तरह का, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ड्रिग मी शार्ड, ओके थोड़ा बहुत अच्छी लूट मिल रही है, उठा लेता हूँ। ओके यहाँ नीचे जाने का रास्ता है भाई। ओके गाइस मेरे को अपना नाइट विजन पहनना पड़ेगा, खतरनाक जगह लग रही है भाई। कुछ खास लूट तो नहीं है गाइस, बट ये डंजन बहुत खतरनाक लग रहा है मुझे। मतलब डंजन नहीं है शायद, ये किसी तरह का ट्रैप है। देख रहे हो मैं कहाँ उड़ना चाह रहा हूँ और कहाँ उड़ के जा रहा हूँ भाई। कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे, निकल लेता हूँ मैं यहाँ से। भाई यहाँ पे विलेजर कहाँ से आया? शायद ये विलेजर का घर है क्या? ये क्या, ये तो पोटी लग रही है मुझे भाई। ये क्या बायोम है यार, मड। यहाँ पे किसी भी पेड़ों के लीफ ही नहीं है, ये कौन सी जगह में आ गया मैं? ये नीचे क्या है भाई इतना बड़ा सा? ये केव काफी बड़ी है भाई। ओ शिट, मैंने ध्यान नहीं दिया गाइस, मेरा जो जेट पैक है उसमें काफी कम एनर्जी है भाई, मेरे को अपना जेट पैक भी अपग्रेड कर लेना चाहिए था। देखो गाइस आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ के एंडरमैन ने स्वेटर पहने हुए हैं। तोबा, ये स्पेशल एंडरमैन है भाई, स्वेटर पहने हुए हैं। तू तो गया बेटे। ओके ये गुस्सा हो गया, मैं यहाँ से निकल लेता हूँ भाई। ओके गाइस तो भाई मेरे को सीड मिल चुके हैं, बट काफी कम सीड मिले हैं, बट इट्स ओके, मैं यहाँ पे वैसे ऐसे खो दूंगा। अभी सीधा घर निकलते हैं, एंड घर जाने का मेरे पास सबसे बेस्ट तरीका है। बट एक चीज हो रहा है, यहाँ पे एक बॉस स्पॉन हुआ है, तो चलो इसको मार लेते हैं ताकि मेरे को अच्छा सा लूट मिल जाए। इसे कुछ ना कुछ तो अच्छा गिराएगा भाई। भाई 80 का हेल्थ था इसका। ओके इन्हें मेरा हेल्थ काफ़ी कम कर दिया है, मुझे थोड़ा खाना खाना पड़ेगा। ओके इसने चेस्ट प्लेट गिराया, एंड प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन 5। यार ये वाला ज़्यादा अच्छा है, ये इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको रख लेता हूँ। चलो कोई नहीं, आई डोंट नो गाइस वो क्या है, मुझे नहीं पता क्या वो एक विलेज है या कुछ और चीज़ें। मुझे मिला तो है एटलीस्ट, चलो देखते हैं वो क्या चीज़ है। मुझे तो विलेज जैसा ही लग रहा है, क्योंकि भाई ये मॉडेड है तो यहाँ के विलेज भी मॉडेड ही होने वाले हैं, काफ़ी अलग तरीके के विलेज होने वाले हैं, और ये कुछ अलग ही चीज़ है। ये एक विलेज ही है भाई, और ये स्नोई विलेज है। लेट्स गो, क्या ब्यूटीफुल है यार देखने में बहुत। होली क्रैप यार, मेरे को इस स्नो से बच के रहना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, वरना मेरा काम यहाँ हो जाएगा भाई ख़त्म। ओके गाइस इस स्नो से बच के रहना है भाई, ये बहुत ख़तरनाक है स्नो। ये रही वो चीज़ भाई जो मेरे को चाहिए, यानी कि बहुत सारा वीट। लेट्स गो, पोटैटो कैरेट सब मिल गया भाई यहाँ पे। यहाँ पे ना मैं एक अपना वे पॉइंट भी लगाने वाला हूँ विलेज करके, मैं लिख देता हूँ स्नो विलेज। काफ़ी सारे क्रॉप्स मिल गए हैं मुझे, फटाफट देख लेता हूँ आसपास कुछ और भी है क्या। वैसे पहले मैं घर चलता हूँ, एक बार जेट पैक को चार्ज करके आता हूँ, ताकि मैं उस विलेज को ऊपर से उड़ उड़ के देख सकूं फटाफट से। जेट पैक को भी फटाफट से थोड़ा सा अपग्रेड कर लेता हूं, जिसके लिए मुझे गोल्ड चाहिए, एंड गोल्ड तो आप लोगों को पता है भाई यहां पे पूरा का पूरा फार्म लगा रखा है गोल्ड के लिए। ओके गाइस तो भाई गोल्ड का जेट पैक मैंने बना लिया है, क्या मैं गोल्ड वाले को भी अपग्रेड कर सकता हूँ? अब मेरे पास डायमंड की कमी तो है नहीं, तो इसका मतलब मैं डायमंड में भी अपग्रेड कर सकता हूँ अपने जेट पैक को। तो चलो भाई थोड़े बहुत डायमंड निकाल के लेके आते हैं और डायमंड में अपग्रेड करते हैं अपने इस जेट पैक को, ताकि अपने को और भी ज़्यादा एनर्जी मिल सके। एंड मेरे को पक्का पता है भाई इस जेट पैक की पावर भी फिर इसी हिसाब से बढ़ने वाली है। लेट्स गो गाइस, बहुत तगड़ी पावर हो गई है भाई इसके अंदर, जैसा कि आप लोग देख रहे हो। वैसे मैं इसको और भी ज़्यादा अपग्रेड कर सकता हूँ क्या? अब मैं इसको एम्ब्रल्ड में अपग्रेड कर सकता हूँ, और एम्ब्रल्ड के लिए मुझे किस चीज़ की बैटरी बनानी पड़ेगी? मेरे को डायमंड की बैटरी बनानी पड़ेगी, एंड डायमंड की बैटरी मैं बना सकता हूँ एक दो। ओके गाइस मेरे को रेडस्टोन की कमी पड़ रही है, और रेडस्टोन मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा रेडस्टोन माइन करने में, क्योंकि मेरी पिकेक्स पे फॉर्चून 3 लगा हुआ है। ये कौन सा एंशिएंट डेब्रिस है भाई? लेट्स सी। ओके इसको मैं निकाल नहीं सकता हूँ, इसको निकालने के लिए मुझे
भाई नेदरराइट का पिकेक्स लगेगा इसको निकालने के लिए। ये ऐसा क्या है भाई ये? तो चलो कोई नहीं गाइस, इसको हम मार्क कर लेते हैं। मैं यहाँ पे एक वे स्टोन लगा देता हूँ क्योंकि मुझे लगता है यार ये कुछ नई वाली चीज़ है। तो भाई ये एंसेंट डेब्रिस करके मैंने वे पॉइंट लगा दिया यहाँ पे, आप चलते सीधा घर की तरफ। सो गाइस ये बन गया मेरा एमरल्ड वाला जेट पैक, और मैं चाहूँ तो इसको और भी अपग्रेड कर सकता हूँ, यानी कि ऑल द मोडियम के साथ और वाइब्रेनियम के साथ और अनोप्टेनियम के साथ। बट ये तीनों मटेरियल अभी तक मेरे पास नहीं है भाई, क्योंकि ये गेम के बहुत ही ज़्यादा रेयर मटेरियल है, इनको लेना इतना आसान नहीं है। बट गाइस मुझे ऐसा लगता है कि जो ये मैंने एमरल्ड का जेट पैक बनाया ना, इसको भरने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। बट ये आधा भी भर जाएगा तो मेरे लिए इनफ होगा आई थिंक अभी के लिए तो, क्योंकि भाई बहुत होती है उतनी पावर। और मेरे पास कोल की कमी आ गई है गाइस, कोल का भी जुगाड़ करना पड़ेगा। फिलहाल रात हो गई तो सो जाते हैं। एक बार गाइस इसी जेट पैक को लेके चलते हैं और उस गांव में मैं चेक करना चाहता हूँ कि वहाँ पे मुझे कुछ हे बेल वगैरह मिलती है। सो गाइस मैं यहाँ बाहर निकल के देखना चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ हे बेल वगैरह है जो मेरे काम की हो, क्योंकि यार मुझे अभी हे बेल ही चाहिए। पूरे ईंट पत्थर से बने हुए, यहाँ पे लकड़ी के घर तो है भी नहीं। बट हाँ मुझे ब्रेड मिल रही है भाई, जो कि बहुत सही है मेरे लिए, मतलब वैसे मेरे पास खाने की कमी है। सो गाइज यार मुझे लगता है मेरे को ये विलेजर पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि यार ये बहुत सही डील मेरे साथ, क्योंकि मेरे पास घर पे एमरल्ड की तो कमी है नहीं, तो ये फूड का काम मेरा कर देगा ये विलेजर, ये मुझे फूड दे दिया करेगा भाई टाइम पे। ओके आई एम बैक टू द होम। चलो यार अपने मैजिक चीज पे काम करना शुरू करते हैं, और अपने जेट पैक को मैं चार्ज होने के लिए रख देता हूँ। ये बहुत टाइम लेगा भाई चार्ज होने में, लगभग बहुत टाइम से, कहने का मतलब है कि मुझे लगता है अगली वीडियो तक चार्ज होगा ये, टेंशन नहीं लेने का। बट सबसे पहले गाइस मुझे एक हार्वेस्टर चाहिए, हमारे फार्म की पहली चीज बन गई। अब मुझे एक होई भी बनानी पड़ेगी, मुझे एंडर चेस्ट भी बनानी पड़ेगी, बट अभी एंडर चेस्ट बनाने की जरूरत नहीं है, यह बना ही लेता हूँ। और गाइस इसमें एक स्पेशल वाली एंडर चेस्ट बनती है, वो मुझे बनानी पड़ेगी, बड़ी खतरनाक रेसिपी है। चलो गाइस अब अपना फार्म बनाना शुरू करते हैं भाई, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ अपना ये हार्वेस्टर, और इसके अंदर लग जाएगी हुई जो कि करेगी 5x5 के एरिया में काम। और इसके ऊपर लगा देता हूँ मैं एक एंडर चेस्ट कुछ इस तरीके से। ये ओरिजिन वैली का गाइस एक और घाटा है, पता है क्या घाटा है, कि यहाँ पे हुई काम नहीं करती भाई। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे हुई मार कर दिखाऊँ ना, यहाँ काम ही नहीं करेगी, यहाँ पे हुई ऐसी ग्रास पे काम करेगी, देख रहे हो। तो भाई मेरे को ये वाली ग्रास हटा के ये वाली लगानी पड़ेगी यहाँ पे। तो भाई हमारा पाइलन भी लग गया है, चेस्ट भी लग गई है। अब इस चेस्ट में हमें एक डायमंड डालना होगा कुछ इस तरीके से, जिससे कि हमारा ये पर्सनल चेस्ट बन जाएगा। अगर इसके अंदर मैं एंडर पर्ल डालता हूँ ना, देखो ये रहे मेरे पास एंडर पर्ल इस तरीके से, तो इसका साइज़ जो है ना वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, देख रहे हो और ज़्यादा स्लॉट बढ़ गए इसके। तो मैं इसको और ज़्यादा बढ़ा देता हूँ और इसको मैक्स कर देता हूँ। तो अभी ये फ़िलहाल अपने मैक्स लेवल पे आ चुकी है। एंड वन मोर थिंग गाइस, यहाँ पे मैं ये वाली जो एंडर चेस्ट है यहाँ पे लगा देता हूँ। तो इसको मैं सबसे पहले तो डायमंड मार देता हूँ ताकि मेरे पर्सनल यूज़ के लिए हो जाए। और अब इसको करने वाला हूँ मैं कलर, तो यहाँ पे होएगा ब्लू, यहाँ होएगा ब्लू और यहाँ होएगा ब्लू। तो अब ये ट्रिपल बी हो चुकी है, मतलब ये इसका कोड सेट हो चुका है इसके साथ। लेट्स गो, अब इसमें जो भी सामान आएगा ना, इसका कोड ट्रिपल बी हो चुका है और इसका कोड भी ट्रिपल बी है, तो इसका सारा सामान इसमें आएगा। तो ये एंडर चेस्ट कुछ इस तरीके से काम करती है गाइस, ये अलग वाली एंडर चेस्ट है भाई। तो चलो गाइस वीट ही उगा देते हैं सबसे पहले, क्योंकि अपने को वीट की ज़रूरत भी पड़ती रहती है, तो चलो वीट उगा देते हैं यहाँ पे। सो गाइज हमारा एक छोटा सा फार्म रेडी हो चुका है, और ये जो मैंने पाइलन लगाया था, इसका पाइलन का काम ये है कि जितने भी ये वीट ग्रो होंगे ना, ग्रो होने के बाद ये ऑटोमेटिकली इसमें सेंड कर देगा इन वीट को, और इसमें सेंड होते के साथ ही सीधे के सीधे आ जाएंगे इस चेस्ट में। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो ग्रो होने शुरू हो गए, तो जैसे फुल्ली ग्रो होंगे तो वो हार्वेस्टर इनको हार्वेस्ट करेगा और इस चेस्ट में सेंड कर देगा, और ये चेस्ट इसमें सेंड कर देगी। बट आप लोग सोच रहे हो कि भाई मैजिक कहाँ है, इतनी देर से मैजिक मैजिक के बारे में बात करें तो मैजिक कहाँ है? तो ये लो गाइस यहाँ है मैजिक। तो अब भाई मैं यहाँ पे अपनी चेस्ट लगा देता हूँ, और याद है आप लोगों को मैंने एक चीज़ बनाई थी, ये रही इम्ब्यूमेंट चैम्बर।
तो इस चैम्बर को मैं यहाँ लगाने वाला हूँ और इसके अंदर जाएंगे लैपिस इस तरीके से। अब इसको मैं करने वाला हूँ ऑटोमेटिक, और ऑटोमेटिक करने के लिए मुझे इसको चाहिए होंगे थोड़ी सी चीजें, जैसे कि ये पाइप, और इसके ऊपर एक और चेस्ट लगने वाली है। तो इसमें गाइस चले गए हैं लैपिस, देख रहे हो, और ये लैपिस आएंगे इसके अंदर। जैसे ये कन्वर्ट हो जाएगा ना, तो ये कन्वर्ट होने के बाद जाएगा चेस्ट के अंदर, मगर चेस्ट में भी जा नहीं रहा है, पता है क्यों? क्योंकि मैंने एक गड़बड़ कर दी है। इसको मुझे उठाना है और यहाँ पे पाइप लगाना है मुझे इस तरीके से, यहाँ पे ऐसे। और अब मैं चेस्ट लगाऊंगा कहाँ पे, यहीं लगा देता हूँ नीचे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसे। बट एक चीज़ की और दिक्कत आएगी अभी इसके अंदर, देखो। अब जब मैं इसको यहाँ पे नीचे की तरफ सेंड करूँगा ना, तो ये चला जाएगा, बट साथ में यहाँ पे लैपिस भी आएंगे। तो मुझे चाहिए होगा अब अपग्रेडर, एक अपग्रेडर चाहिए होगा मुझे, जो कि डायमंड लेवल का अपग्रेडर होगा, यानी कि पाइप अपग्रेडर। तो यहाँ पे देखो मेरे पास पाइप अपग्रेडर पड़ा हुआ है डायमंड लेवल का ऑलरेडी। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी पावर कि मैं क्या करने वाला हूँ भाई। तो ये डायमंड अपग्रेडर मेरे को लगाना होगा यहाँ पे। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें सेलेक्ट हो रखी है जिनको मैं रिमूव करने वाला हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं सिर्फ वाइट लिस्ट कर देता हूँ ये वाला, मुझे ये चीज़ वाइट लिस्ट चाहिए यहाँ पे, मतलब इसके अलावा कुछ भी चीज़ नीचे नहीं आएगी, बाकी सब ब्लैक लिस्ट हो जाएंगी, सिर्फ यही वाइट लिस्ट रहेगा। अब देखो, अब लैपिस आना बंद हो जाएंगे, ये देखो गाइस, अब ये लैपिस नीचे नहीं जा रहे हैं, अब ये यहाँ पे रुके रहेंगे, और जब तक ये कंप्लीट नहीं होएगा जब तक ये नीचे नहीं जाएगा। और जैसे ये इसमें कन्वर्ट होगा ना सोर्स जैम में, तो यहाँ पे मैंने इसको वाइट लिस्ट कर रखा है, तो ये नीचे चला जाएगा, यानी कि अब ये ऑटोमेटिक हो चुका है। बट आप लोग एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि भाई मैंने क्रॉप क्यों लगाया है यहाँ पे। यू आर अ गुड क्वेश्चन, नेक्स्ट। क्रॉप लगाने का क्या मतलब है? तो भाई क्रॉप लगाने का एक मतलब है, क्योंकि अब मैं दो चीज़ें और बनाने वाला हूँ जो कि इसको बहुत ही ज़्यादा फास्ट कर देंगी। जैसे कि आप यहाँ पे प्रोग्रेस देख रहे हो कितना स्लो हो रहा है, तो अब इसको ये फास्ट कर देगी, देखना। और फास्ट करने के लिए मेरे को दो चीज़ें बनानी पड़ेंगी, एग्रोनॉमिक सोर्स लिंक, तो ये एक बनाना पड़ेगा। तो भाई सोर्स जैम की थोड़ी कमी है, तो मेरे पास पहले से थोड़े से सोर्स जैम पड़े थे, तो इनका यूज़ होएगा अब। तो एक तो दो बना लेता हूँ मैं ये सोर्स लिंक, तो ये दो बन गए मेरे पास। अब मेरे को बनाने पड़ेंगे जार, तो ये है सोर्स जार, तो मुझे थोड़े प्लैंक चाहिए होंगे। ये सोर्स जार तो हम गाइस कितने भी बना सकते हैं, बट फिलहाल के लिए मैं अभी दो बना लेता हूँ, क्योंकि ये जार जो है ना, यही वो उस मैजिक वाली पावर को कैप्चर करेंगे। तो भाई ये यहाँ पे दो सोर्स जार हो गए हैं। अब ये सोर्स जार देखो किस तरीके से इसमें सोर्स जमा होएगा। अब यहाँ पे मुझे ये एग्रो लिंक लगाना होगा इस तरीके से, ये दोनों। अब देखो जैसे जैसे यहाँ पे क्रॉप्स ग्रो होंगे ना, ये जो सोर्स लिंक है ना, ये यहाँ से पावर खींचेगा, यानी कि एक मैजिक खींचेगा यहाँ से पावर, और सीधा इन जार के अंदर बंद कर देगा, मतलब इन जार में भर देगा। ये देखो खींचा अभी, देखा ये देखो खींचा ना, और यहाँ पे देखो भरना भी शुरू हो गया जार में, तो ये इस तरीके से भरेगा यहाँ पे। ये देखो गाइज खींच रहा है ना, यस, और ये भर भी रहा है यहाँ पे, और ये जब भर जाएगा ना, तो ये जाएगा इसके अंदर, मतलब जब ये जार में भर जाएगा ना अच्छे तरीके से, तो ये अपने आप ही इसके अंदर भी खींचने लग जाएगा। तो इस तरीके से गाइज ये ऑटोमेटिक होने वाला है, मतलब बहुत फास्ट हो जाएगा, देख रहे हो कितना जल्दी जल्दी हो रहा है। अब 22, 24, 26, मतलब अब काफ़ी स्पीड में हो रहा है पहले से। और देखो यहाँ पे तीन सोर्स जैम बन भी गए, तो इस तरीके से मुझे सोर्स जैम मिलेंगे, वो भी बहुत जल्दी। तो चलो भाई, ये क्रॉप तो अनलिमिटेड हो गए हैं, क्योंकि वो जो जैसे ये ग्रो होंगे तो बस वो हार्वेस्ट कर लेगा और इनको भेज देगा, और यहाँ पे जैसे जैसे ग्रो होते रहेंगे वैसे वैसे मेरे को यहाँ पे सोर्स भी मिलता रहेगा। बट गाइज ये जो सोर्स है ना, ये इनफ नहीं है, ये बहुत कम है गाइज, क्योंकि मेरे जो क्रॉप है वो बहुत धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे जो ये जो सोर्स पावर है ना, ये बहुत कम मिल रहा है। तो मुझे कुछ ऐसा देखना होगा कि ये बहुत फास्ट ग्रो हो। सो गाइज मेरे पास कुछ एसेंस पड़ा था जो कि इन्फीरियम एसेंस है, तो मैं थोड़ा और लेके आता हूँ भाई। यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारा इन्फीरियम एसेंस है, ये देख रहे हो, ये ब्लॉक्स में पड़ा हुआ है मेरे पास, तो कोई ना ले लेता हूँ ब्लॉक में मैं फटाफट से। ओके, मैंने सारा निकाल लिया है। अगर मैं इसको अपग्रेड करूँ ना इन्फीरियम एसेंस को, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा प्रूडेंटियम एसेंस में, और प्रूडेंटियम एसेंस अपग्रेड हो जाएगा टिटेनियम एसेंस में, और टिटेनियम भी अपग्रेड हो जाता है भाई इम्पीरियम एसेंस में, और इम्पीरियम भी हो जाता है। तो सबसे पहले तो मेरे को एक चीज़ बनानी पड़ेगी, ये वाला क्रिस्टल।
तो ये क्रिस्टल बनाना पड़ेगा, इसके बगैर बनेगा ही नहीं। ओके गाइस, तो सुपर ब्लू मून है भाई और ये बहुत लक्की है। पता नहीं भाई किस चीज़ में लक्की होने वाला ये, आई डोंट नो, बट चलो अच्छा है भाई। वैसे यार एडवेंचर के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है ये, क्योंकि वहाँ पे हम चेस्टे वगैरह लूटते हैं ना, तो वहाँ के लिए तो बहुत अच्छा रहता है, बट अभी के लिए तो भाई सही नहीं है, क्योंकि मैं घर पे ही हूँ तो मेरे लिए तो कुछ लक्की नहीं होने वाला। ओके गाइस, तो भाई इम्पीरियम 16 एसेंस बना पाया हूँ मैं, और कम से कम मैंने मतलब पता नहीं कितने हजारों खर्च कर दिए और हजारों से सिर्फ 16 ही बना भाई। होली क्रैप गाइस, ये बहुत एक्सपेंसिव है भाई। चलो कोई बात नहीं, मैं 16 अपने फार्म को तो अपग्रेड कर पाऊँगा एटलीस्ट, तो चलो देखते हैं कितनी ज़्यादा स्पीड बढ़ेगी इसकी। लेट्स सी ये क्या कमाल दिखाता है भाई, काफ़ी महंगी चीज़ है बाय द वे ये। चलो देखते गाइस, ये थोड़ा जल्दी बढ़ेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए। वैसे ये वाला भी, नॉर्मल वाला भी सही से काम कर रहा है, यहाँ पे काफ़ी अच्छे सोर्स जैम आ गए मेरे पास। हमारी एक चीज़ तो रेडी हो गई है, दूसरी चीज़ को रेडी करेंगे हम, पहले सो जाते हैं। ओके गाइस, गुड मॉर्निंग। सुपर लक्की जो मून था वो हमारा चला गया भाई सुबह होते ही। सो गाइस यार, हमें थोड़े से और जार बनाने पड़ेंगे, मैं जार बना लेता हूँ थोड़े और। तो गाइस ये जार मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, एंड गाइस डजंट मैटर कि ये जार मैं कहाँ लगाऊँ, ये जो एग्रोनॉमिक सोर्स लिंकन है ये ऑटोमेटिकली भर देगा। जैसे ये नीचे वाले भरेंगे ना, ये इनको भरना शुरू कर देगा। बट गाइस अभी मेरा जो सोर्स है वो यूज़ हो रहा है यहाँ पे जैम बनाने में, तो मुझे नहीं लगता ये अभी भरने वाले हैं भाई, और ये थोड़ा स्लो भी है। हाँ कह सकते हो ये थोड़ा स्लो भी है, तो इसलिए ज़्यादा नहीं मिल रहा है सामान। और बाकी यहाँ पे कुछ आया? ओके यहाँ पे थोड़ा बहुत सामान आ गया है, मतलब मेरा जो ऑटोमेटिक हार्वेस्टर है वो सही से काम कर रहा है। अब जो अगली चीज़ होने वाली है गाइस, वो होने वाली है एक क्राफ्टिंग टेबल, जो कि एक मैजिकली क्राफ्टिंग टेबल होगी। इसको बनाने के लिए ये एक स्पेशल पत्थर यूज हो रहा है भाई, और हर जगह सोर्स जैम यूज होंगे, इसीलिए मैंने सोर्स जैम को ऑटोमेटिक बनाया है। तो गाइस मैंने ये 8 पेडेस्टियल बना लिए हैं, आई थिंक मेरे को 8 इनफ रहेंगे। और एक बनाना पड़ेगा आर्केन कोर, और एक बनाना पड़ेगा इंचेंटिंग एपरेटस। भाई ये अजीब ही इंग्लिश है भाई, ये इंग्लिश में बोल नहीं पा रहा हूँ। ओके गाइस, तो तीनों चीज़ आ गई हैं। अब अपनी क्राफ्टिंग टेबल को जो यहाँ पे सेटअप कर देते हैं, और इसको सेटअप करने के लिए कुछ इस तरीके से सेटअप करना होगा। इसको बहुत ईजी है इसको सेटअप करना, और ये पेडेस्टियल इसके चारों तरफ इस तरीके से लगा देता हूँ मैं 8x8। तो भाई मेरी क्राफ्टिंग टेबल जो रेडी है, अब लास्ट चीज़ इसके ऊपर इंचेंटिंग एप्रिशिएशंस भी लगा देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो भाई ये क्राफ्टिंग टेबल काफ़ी मैजिकली वर्क करती है। अब जो अगली चीज़ गाइज हमारी होने वाली है, वो होने वाले टैबलेट ऑफ कॉन्टेमिनेंट। अब गाइज ये क्या चीज़ है भाई, ये किस चीज़ की टैबलेट है, क्या ये बुखार भगाने की दवाई है? नहीं गाइज, यही वो दवाई है, मतलब यही वो एक टैबलेट है जिससे मैं बड़े से बड़े बॉस को पकड़ के लेके आने वाला हूँ, और उसकी फार्मिंग करने वाला हूँ, यानी कि उससे उसका मॉब फार्म बनाने वाला हूँ, बॉस का मॉब फार्म। तो ये टैबलेट बनाने के लिए मेरे को एक स्पेशल चीज़ चाहिए, जो कि है मैनिपुलेशन एसेंस, और इसको बनाने के लिए मेरे को एक छोटी सी क्राफ्टिंग टेबल और बनानी पड़ेगी। और इन पेडेस्टल को जब मैं यहाँ रखता हूँ तो मुझे छोटे पेडेस्टल मिल जाते हैं, और अब चाहिए होगा मुझे एक और एम्बुलेंस चैम्बर, जो कि मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है यहाँ पे। अब गाइस ये वाली क्राफ्टिंग टेबल को मैं लगाने वाला हूँ यहाँ पे कुछ इस तरीके से, 1 2 3। तो ये क्राफ्टिंग टेबल गाइस मैंने यहाँ पे लगा दी है। तो चलो भाई अब मैं इससे क्या बनाने वाला हूँ, वो एसेंस बनाने वाला हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो एसेंस किस तरीके से बनाना है। तो देखो गाइस ये कुछ इस तरीके से बनता है, कि भाई मेरे को ये तीन चीज़ें चाहिए होंगी, तो यहाँ पे ऐसे रख दो, ऐसे रख दो, मतलब इसको किसी भी तरीके से रख सकते हो आप, बस जो बीच में है यानी कि सेंटर में आपको ये जैम रखना है कुछ इस तरीके से। और अब ये प्रोग्रेस होने में थोड़ा सा टाइम लगाएगा, वो इसलिए लगाएगा क्योंकि इसके आसपास कोई भी सोर्स जैम का जार नहीं है जो कि भरा हुआ हो, यानी कि भाई यहाँ पे मेरा सोर्स जैम यूज़ हो रहा है पूरा का पूरा। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से थोड़ी देर के लिए लैपिस उठा लेता हूँ ताकि मेरे को थोड़ा सोर्स जैम मिल जाए। ओके गाइस ये 49 हो गया है, 50 हो गया है। ओके गाइस तो कभी भी बनने वाला है, 99 हो गया, और ये 100।
ओके गाइस, तो अंदर आप देख सकते हो भाई वो बन गया है। ओके तो ये मुझे बार बार नहीं रखने पड़ेंगे क्लॉक व्लॉक, ये एक ही बारी में बन गया है मैनिपुलेशन एसेंस। तो अब मैं टैबलेट ऑफ कंटेमिनेटेड बना सकता हूँ। अब गाइस मेरे को ये वैक्सिंग आर्च वुड सैपलिन चाहिए होगा, ये फ्लैशिंग है, वो वैक्स था ना उसका नाम। ओके आई थिंक वैक्सिंग मेरे को मिल गया। ओके गाइस आई एम बैक टू द होम, तो चलो फटाफट बना लेते हैं अभी एक टैबलेट ऑफ द कंटेमिनेटेड। लेट्स गो। अब हमारी लास्ट चीज रहती है यानी कि रिचुअल ब्रेजर, ये बन गया हमारा रिचुअल ब्लेजर। चलो गाइस अब ऑलमोस्ट हमारी चीजें बन बन के तैयार हो गई हैं। ये लास्ट एक कंटेनर भी बनाना है भाई, ये कंटेनमेंट जार भी बनाना है, इसके बगैर तो बात बनेगी नहीं भाई, क्योंकि बॉस तो इसी के अंदर कैप्चर करना है ना, तो ये भी एक बना लेते हैं हम। लेट्स गो। और एक क्वांटम कैचर भी बना रहा हूँ मैं, ये क्वांटम कैचर बनाना बहुत आसान होता है भाई, इससे आसान चीज़ है ही नहीं गेम में क्राफ्ट करनी, बस आपको स्पोनर के ये चाहिए होंगे स्क्रैप और आप इजी पीजी इसको बना सकते हो। मेरे पास ड्रैगमी शार्ड है, इसका यूज़ मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ क्या यूज़ होगा भाई इसका। तो इसके लिए मुझे ये सब चीज़ें चाहिए होंगी, तीन ये चाहिए, एक ड्रैगमी शार्ड चाहिए, एक कैरेट, एक वीट, एक एप्पल और एक किसी भी तरह का मीट या मछली जो भी है वो। तो चलो गाइस दिखाता हूँ इससे क्या बनेगा भाई। अब देखो ये सभी चीज़ें मेरे को ऐसे रखनी पड़ेगी यहाँ पे इस तरीके से, और ये रखेंगे यहाँ पे, मतलब आप इसका कोई ऐसा तरीका नहीं है कि भाई इसको तरीके से रखना है, बस आपको सारी चीज़ें रखनी है, ये चीज़ मेन है। ये देखो सारी चीज़ें रख दी ना मैंने, अब ये जो आखिरी चीज़ थी ना ड्रैगमी शार्ड, इसको हम सेंटर में रखेंगे इस तरीके से। ओके ये क्या बता रहा है, नो रेसिपी फाउंड पेडेस्टियल मस्ट बी विद इन 3 ब्लॉक्स। मुझे लगता है गाइस ये वाला भी कनेक्ट हो गया है इसके साथ, मुझे ये हटाना पड़ेगा यहाँ से। आई थिंक ये वाला भी इसमें कनेक्ट हो गया क्योंकि ये भी पेडेस्टियल है ना एक तरह के। अब बना के देखता हूँ, ये देखो अब बन गया भाई, देख रहे हो, और इसका देखो भाई मैजिक होना शुरू हो गया गाइस। तो ये है भाई वो मैजिक, मतलब ये तो पहला मैजिक है, अभी तो आप देखोगे भाई मैजिक क्या क्या मैजिक होते हैं। तो ये वो चीज़ है भाई जो अपने को चाहिए थी, ड्रैगमी शार्ड। एंड यार ये पेडेस्टियल मैं कहीं दूर लगा देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ लगा देता हूँ। मेरे को एक जार चाहिए जो कि पूरा भरा हुआ हो, यानी कि एक सोर्स जार चाहिए जो कि पूरा 100% फिल हो। चलो वेट कर लेते हैं। 5 minutes later। ओके गाइस तो गुड मॉर्निंग भाई, बहुत ही तगड़ी अपडेट के साथ आया हूँ भाई। तो भाई तगड़ी अपडेट क्या है, सबसे पहले तो भाई मेरे को यहाँ पे स्लाइम का फार्म बनाना पड़ा, ठीक है, क्योंकि मेरे को चाहिए थी स्लाइम पर्ल। और स्लाइम पर्ल क्यों चाहिए थी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि यार देखो ये सोर्स जार भर नहीं रहे थे और आप देखो कितनी धड़ाधड़ भर रहे हैं, देख रहे हो, पता है क्यों, इसका रीज़न क्या है, मैंने अपना फार्म लैंड तो अपग्रेड किया ही किया, बट मैंने यहाँ पे एक स्पेशल चीज़ भी लगाई जो कि है लिली पैड। और भाई ये ऐसे वैसे लिली पैड नहीं है, ये फास्ट क्रॉप ग्रोइंग लिली पैड है गाइज। और इनको बनाने के लिए ना बहुत सिंपल सी चीज़ लगती है भाई, लिली पैड लगता है सिंपल वाली और फर्टाइल एसेंस लगता है। फर्टाइल एसेंस लगाने बनाने के लिए दो चीज़ें चाहिए, एक तो भाई आपको एक कैटालाइज ग्लैंड चाहिए जो कि आपको घास से या क्रीपर से मिल जाता है, रिब बोन चाहिए जो कि स्केलेटन से मिल जाते हैं, मेरे पास पड़ी हुई थी, और यहाँ पे ग्रीन डाई चाहिए भाई जो कि आप किसी भी तरह से ले सकते हो, और स्लाइम पर्ल ये मेन था भाई। तो ये मेरे को इसका फार्म बनाना पड़ा और ये मिल गए मेरे को स्लाइम पर्ल मार करके यहाँ से स्लाइम्स को, क्योंकि मेरी स्वॉर्ड पे लूटिंग 3 लगी हुई है। और मैंने थोड़े से एक्स्ट्रा टैबलेट ऑफ कंटेमिनेंट भी बना लिए हैं भाई क्योंकि इनका काम पड़ने वाला है, और ड्रैगमी चाम भी मैंने थोड़े एक्स्ट्रा बना लिए। अब देखो गाइस ड्रैगमी चाम बनाने के लिए आप बोलोगे भाई ये ड्रैगमी चाम बनाने के लिए ना एक चीज़ चाहिए होती है यानी कि ड्रैगमी शार्ड, ये कैसे मिलेंगे, कई बार ये लूट में मिल जाते कई बार नहीं मिलते। तो इनको लेने के लिए ना देखो अब मैं आप लोगों को इसका भी यूज़ दिखाने वाला क्वांटम कैचर का। तो देखो ये जो है ना हमारा ड्रैगमी जो ये एक छोटा सा दिख रहा है आप लोगों को, इससे हमें मिलते हैं, बट भाई देखो इसको मारने से पहले मैं इसका डीएनए ले लेता हूँ क्योंकि अब ये जिंदा नहीं बचने वाला। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मतलब देखो आप लोगों को ये
जो ये टूथ है ना, ये वाइल्ड हॉर्न, ये काफ़ी बार मिल जाते हैं आपको चेस्ट में और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिलते हैं। तो जब हम इसको ये खिलाते हैं ना इस तरीके से, ये खाता है इसको, देखो अभी खाएगा ये, देखो ये उठा लिया इसने, और देखो अब ये नाचने लग गया ना, ये देखो बन गया शार्ड। अब इसको आओ क्राफ्टिंग टेबल में वो सारे के सारे चीज़ें रखो और आपको ड्राई गमी चाम मिल जाएगा इजी पीजी। तो इस तरीके से आप ड्राई गमी चाम बना सकते हो, और ड्राई गमी चाम का मैं अभी यूज़ भी दिखाऊंगा आप लोगों को। बट वन मोर थिंग गाइस, मैंने बहुत सारे लिली पैड बनाए हैं, इन लिली पैड्स को मैं लगाने वाला हूँ यहाँ पे, ताकि मेरी जो ये जगह है ना, ये और भी ज़्यादा ये फास्ट क्रॉप जो है ग्रो करे, क्योंकि यार मेरे को और भी ज़्यादा जल्दी जल्दी सोर्स जार भरने हैं। तो इससे ज़्यादा अच्छा तरीका है ही नहीं भाई सोर्स जार भरने का। या फिर गाइस मुझे लगता है मुझे साइड वाले हटा देने चाहिए, ये पीछे वाले भी अच्छा काम करेंगे मेरे ख्याल से, कि यार ये लिली पैड बहुत इंपॉर्टेंट और ये मेरे को काम आ जाएंगे, तो इसलिए मैं इनको ज़्यादा भी खर्च नहीं करता। वैसे मैं चाहूँ तो अपने इस वाले, अबे यार मेरा जेट पैक का वापस से ख़त्म हो गया तेल मतलब एनर्जी, और गाइस कोल भी ख़त्म हो गया है मेरे घर का भाई, एनर्जी के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ बिठाना पड़ेगा। ओके गाइस, तो भाई ऑलमोस्ट ये सारे के सारे जार भर गए हैं, अब मेरे को थोड़े एक्स्ट्रा जार चाहिए होंगे अपने साथ। तो गाइस मेरे को एक स्क्रॉल मिला था जिसके अंदर फायर रेसिस्टेंस 2 है, बाकी गाइस मेरा जो जेट पैक है देखते हैं कितना चार्ज हो पाता है। ओके गाइस, तो भाई अब मैं यहाँ पे बिल्कुल फ्री हो चुका हूँ, अब मैंने सारी चीज़ों की तैयारी कर ली है, और वेट अ सेकेंड, मैं एक चीज़ टेस्ट करना चाहता हूँ गाइस, अगर ये ट्रेडर इतनी सारी चीज़ें दे रहा है, अगर मैं इसको कैप्चर कर लूँ तो लेट मी चेक। ओह मैंने इसको कैप्चर कर लिया, बट मेरे को एक तरीके से कैप्चर करना है, देखो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मेरे को एक कोने से में जाना है। ओके ये जगह बिल्कुल सही लग रही है, अब मैं रिचुअल को यहाँ पे रखूँगा इस तरीके से, और यहाँ पे एक सोर्स जार रखूँगा इस तरीके से, एक दो, और यहाँ पे मुझे ये डालना है एक, और अगर मैं यहाँ पे ये रख के और यहाँ पे ये रखूँ तो ये इसके अंदर आना चाहिए। टेबल ऑफ कंटेमिनेटेड अवेटिंग एक्टिवेशन, शायद यहाँ रखना है सोर्स जार, ये ट्रेडर को क्यों नहीं पकड़ रहा भाई। ओके राइट क्लिक करना होता है उस पर, ठीक है। ओके गाइस, तो देख रहे हो गाइस यहाँ पे जो ये ट्रेडर है वो कैप्चर हो चुका है। अब गाइस मुझे एक चीज़ की तलाश है जो कि है वाइन, या फिर ये मूसी, ये वाले कोबलस्टोन भी चल जाएंगे भाई, मूसी कोबलस्टोन मुझे यही तो चाहिए। तो गाइस देखो सबसे पहले भाई ये जो मूसी कोबलस्टोन है ना, इसको रखना है यहाँ पे इस तरीके से, इसके सामने मैं रखने वाला हूँ। ओके मैं यहाँ रख देता हूँ ये ट्रेडर जो मैं पकड़ा है मैंने अभी अभी, यहाँ लगा देता हूँ चेस्ट इस तरीके से, और इसके ऊपर जाएगा ये ड्राई गमी चाम, देखो कैसे जाएगा, रुको इस तरीके से, ये देख रहे हो ये मैजिक होना शुरू हो गया है, अभी देखना है यहाँ पे क्या आने वाला है। ये देखो गाइस, और ये खुश भी है भाई, हैप्पी है, और अब ये इसके अंदर से पावर खींचेगा, और जो भी रिसोर्सेस ये देगा ना, मतलब ये रिसोर्सेस निकालता है बेसिकली, तो ये देखो ये निकाला इन्हें रिसोर्सेस और ये इन्हें चेस्ट में डाल दिया। अभी तो खैर कुछ नहीं मिला, अबे साले, क्योंकि बहुत कम परसेंट चांस होते हैं कि ट्रेडर हमें कुछ देगा, तो उसी हिसाब से ये यहाँ पे कलेक्ट करेगा, और मैं चाहूँ तो मल्टीपल भी लगा सकता हूँ जिससे कि पॉसिबिलिटीज ज़्यादा बढ़ जाएंगी चीज़ों की। कुछ दिया, ओके कुछ नहीं दिया, तो मैं यहाँ पे थोड़े से और ड्राई गमी स्पॉन करने वाला हूँ जितने मैंने बनाए थे। मुझे वैसे लगता नहीं गाइस कि ट्रेडर कुछ देगा भाई। ओके गाइस ट्रेडर कुछ नहीं दे रहा भाई, क्योंकि अभी तक मुझे मिल जाना चाहिए था, क्योंकि ये बहुत सारे हैं भाई, ये प्लेटफॉर्म से भी उतर जाते हैं। ओके गाइस, तो भाई मैं यहाँ पे एक बोस एरेना में पहुंच चुका हूँ, जहाँ पे लिखा है नेदर राइट मॉन्स्ट्रोसिटी। आई डोंट नो गाइस ये किस तरीके का बोस होने वाला, बट मुझे लगता है गाइस मैं खतरनाक जगह पे आ गया हूँ भाई। अब मेरे को पता नहीं है भाई ये कितनी ख़तरनाक होने वाले, लेकिन भाई मुझे इतना तो पता है कि मुझे यहाँ पे फायर रेसिस्टेंस यूज़ करना चाहिए, क्योंकि गाइस चारों तरफ लावा ही लावा है। तो चलो देखते हैं भाई क्या होता है, मैं यहाँ पे अपनी चीज़ें तैयार कर देता हूँ। ओ भाई साहब,
ओके अभी मैंने कैप्चर कर लिया इसको, लेट्स गो बॉयज। बट यार यहाँ पे चारों तरफ लावा है तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, यहाँ से पत्थर जमा कर लेता हूँ। ओके गाइस, तो भाई बॉस को तो मैंने कैप्चर कर लिया है यहाँ पे साथ ही साथ। गाइस देख रहे हो, मतलब यहाँ पे भाई मेरे को स्लैब लगानी पड़ी। और हाँ भाई देख रहे हो, मेरे को यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे ना सीक्रेट ट्रेजर होता है, देख रहे हो। ये देखो गाइस, मेरे को यहाँ पे एंसेंट डेब्रिस मिला भाई, मतलब दूसरी साइड 4 एंसेंट डेब्रिस मिला। ये किसी तरह का ट्रैप भी है, बट मेरे को यहाँ पे एंसेंट डेब्रिस मिला। सही है, चलो मिल गया कोई ना। क्या यहाँ पे और भी एंसेंट डेब्रिस हैं? ओके यहाँ पे एक और है, ये रहा। आई थिंक मुझे ऊपर भी दिख रहा है। ओ भाई लावा ही लावा, चारों तरफ लावा भाई। ओके शायद यहाँ पे और एंसेंट डेब्रिस नहीं है, घर चल के देखते हैं क्या मैं टीपी कर पाऊंगा घर पे। ओके हो गया टीपी घर पे, नाइस, लेट्स गो गाइस। बहुत तगड़ी लूट मिली है भाई, चलो देखते गाइस इससे मुझे क्या मिलता है। इसको भी यहाँ पे रखेंगे, लेट्स गो, देखते गाइस इससे क्या मिलेगा। क्या ट्रेडर ने कुछ दिया? भाई ट्रेडर ने कुछ नहीं दिया। एंड यार मैं इनको वापस कैसे रख सकता हूँ यहाँ पे ऊपर? आई थिंक मुझे इनको मारना पड़ेगा मे बी। ओके यस, मुझे इनको मारना पड़ेगा फिर मैं इनको वापस से रख सकता हूँ। ओके गाइस, तो मुझे 12 के 12 वापस मिल गए, बट अब मैं इनको भाई यहाँ पे ऊपर ही स्पॉन करूँगा। चलो गाइस, अब मैं इनको नहीं छेड़ने वाला। एंड देखते हैं, ओ भाई ये क्या देख रहा हूँ मैं भाई, ये तो गेम ब्रेकिंग है भाई, लिटरली गाइस ये गेम ब्रेकिंग है भाई। मैं पूरा आर्मर बना सकता हूँ इससे। व्हाट, हैमर, वो भी इतने सारे? होली क्रैप भाई, ओ माय गॉड गाइस, ये पूरा गेम ब्रेकिंग है गाइस। सोचो मुझे एक से इतनी चीजें मिल रही है, अगर मैं अलग अलग तरीके के बॉस लिया है तब क्या होगा भाई। सो गाइज यार, आप लोग बताओ भाई आप लोगों को ये वाला एपिसोड कैसा लगा। अगर आप लोग देखना चाहते हो कि मैं और कौन से बॉस पकड़ के लाने वाला हूँ और यहाँ पे किस किस चीज की फार्मिंग करने वाला हूँ और ये फार्मिंग कितनी ज्यादा ओपी होने वाली है, क्या मैं अनलिमिटेड नेदरराइट निकाल पाऊंगा? भाई अभी तक तो मैं अनलिमिटेड डायमंड निकाल पा रहा हूँ, अनलिमिटेड रिसोर्सेज निकाल पा रहा हूँ, क्या मैं अब अनलिमिटेड नेदरराइट निकाल पाऊंगा? क्या मैं एक फुल नेदरराइट बीकन बना पाऊंगा? तो भाई वो तो आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा। एंड यार ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। क्या आप लोगों ने यूट्यूब का नया एनिमेशन चेक किया? तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके देखो भाई, एक बहुत ही प्यारा सा कलरफुल एनिमेशन आता है। हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट, एंड एज ऑलवेज चाओ चाओ।